ज्ञानवापी के बाद अब धार भोजशाला का भी सर्वे होगा। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जीपीआर जीपीएस तरीके से वैज्ञानिक सर्वे को कराया जाए। बता दें, लंबे समय तक विवादों में चल रहे भोजशाला मामले में आज बड़ा फैसला आया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार एएसआई सर्वे करके रिपोर्ट पेश करेगी। ज्ञानवापी की तर्ज पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने धार भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई को 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाने को कहा। 6 सप्ताह में इस टीम को अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपनी होगी। हाईकोर्ट ने पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि जीपीआर जीपीएस तरीके से इस सर्वे को कराया जाए। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष बेहद खुश नजर आ रहा है और शहर में जगह जगह जश्न भी मना रहा है। गौरतलब है, भोजशाला को लेकर कई बार दोनों पक्षों में विवाद हुए हैं। बताते हैं, भोजशाला में शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की अनुमति होती है। दोपहर 1 से 3 बजे तक उन्हें प्रवेश दिया जाता है। वहीं मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति है। दोनों पक्षों के लिए उस दिन निशुल्क प्रवेश होता है। बाकी के दिनों में 1 रुपए का टिकट लगता है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की अनुमति है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंप दिया जाए। हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही याचिका में भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई की भी मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इन सभी बिंदुओं के आधार पर सर्वे की मांग को स्वीकार किया है। धार की भोजशाला माना जाता है कि राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार यह एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसके अवशेष प्रसिद्ध मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में भी देखे जा सकते हैं। यह मस्जिद भोजशाला के कैंपस में ही स्थित है, जबकि देवी प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।